तो आप अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत है ये बताएं और किस वजह से यहाँ पे आए हैं ये बताएं। मैं जमात के काम से आया हुआ था, पता चला आपके बारे में। मैं यहाँ पहुँचा, बेंगलोर में मेरा बेटा रहता है, आपका लोकेशन निकाला कि डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे जाओ। और मेरा प्रॉब्लम L3 L5 का है और उसकी वजह से काफी परेशान रहा मैं। फिजियोथेरेपी भी कराया उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे अभी कुछ देर में मैं बहुत रिलैक्स महसूस किया। और ये दिक्कत आपको सालों से है? जी 1.5 साल से डॉक्टर साहब। और उड़ीसा में आपने या कहीं और कोई इलाज कराया? जी इलाज कराया था मैं, क्या हमारे जयप्रकाश में ये थेरेपी का काम कराया था मैं 21 दिन। जी 21 दिन? 21 दिन। अच्छा, उसके बाद रिलैक्स रहा। फिर एक मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल फील्ड में था, एक्सरसाइज कर रहा था, बॉल आया, दौड़ करके मैं मारा, उसके बाद फिर वो इसी सेटिंग हो गया। क्या उम्र है आप? अभी भी फुटबॉल खेलते हैं? हाँ 60। अभी भी खेलते हैं? जी 62 है। 62 है? 62 साल का? हाँ सर, बाल बच्चों की सबकी शादी कर दी, हज वगैरह सब कर लिया मैं। अच्छा, और इसी साल के लिए निकला हूँ। और आप फुटबॉल पे और जमात में रहते हैं? जी जी। अरे वाह, तो उड़ीसा के लोगों की तरह आपकी जबान वैसे उड़िया तो लग नहीं रही है? नहीं सर, मैं एक्चुअली रहने वाला झारखंड का हूँ, रांची का। तो मेरी शादी हुई वहाँ, अहलिया का जॉब है। मैं भी फुटबॉल में जॉब पाया था सेल में, तो मैं रिजाइन दे दिया। उनका जॉब था, इस वजह से सोचे दोनों में से एक को जॉब करना है। मैं बिजनेस करता हूँ उड़ीसा में। जी, किस चीज का बिजनेस करते हैं? हमारा कपड़े की दुकान है, कपड़े की भी है, जूते की भी दुकान है। अरे वाह, वेरी गुड। आइए लेती है जी सर, अब मैं आपका एडजस्टमेंट करता हूँ। जी सर, सीधे इधर कर लो, सीधा जी, उल्टा लेट जाएंगे। कपड़ा खोलें सर? नहीं, बस ऐसे जेब में क्या है? जेब में चश्मा वश्मा नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं, डॉट है। रिलैक्स करेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, छोड़िए। अरे बहुत टाइट है, अरे बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, पत्थर है आपको। एक्सरसाइज बदन सर, हमेशा एक्सरसाइज किया मैं। हाँ, आपकी पाँव की लेंथ तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही थोड़ा सा पाँव अंदर बाहर जाता है। जी सर, है ना, थोड़ा सा मैं इससे इसको लूज कर देता हूँ, क्योंकि हाथ के प्रेशर से तो इस पर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वाह, किस पोजीशन में खेलते हो? मैं डिफेंस भी खेलता, ऑफेंस भी खेलता। अच्छा, कभी कीपर भी रहा। अरे वाह, मुझे तो कीपिंग का सबसे ज्यादा शौक है। कीपिंग से ज्यादा मजा किसी में नहीं है। नहीं सर, उसमें मजा नहीं है, इसलिए कि हम लोग दौड़ने वाले को ना ऑफेंस में बहुत जरूरत रहना। मैं स्कूल में तो बहुत खेला हूँ, स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए तो मैं हर पोजीशन पे खेलता था जी। और स्कूल की जो हाउस थी उसके लिए मैं खेलता था एज ए गोली, एक्टिव प्लस कायरोप्रैक्टिक। जी जी, जो क्लिनिक का नाम है वही चलता था। करवट क्लिनिक में तरह सर बहुत दुआएं दूंगा, अभी 3 महीने बाकी है मेरा। अच्छा, मस्जिद में रह करके मैं नीचे रखेंगे जी सर, क्रॉस कर लेंगे जी। उस तरफ जी सर, कमर तो थोड़ी सी खुली है। जी जी, सीधा लेट जाएंगे, थोड़ा हाथ सभी भी नस का प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे दिख रहा है। जी जी, छोड़ देंगे, इजी, छोड़िए, धीरे छोड़िए। जी जी, पत्थर है गर्दन भी? अरे इधर थोड़ा सा कम खुला है, छोड़िए, नहीं गिरेगी, छोड़िए। ओके, आ जाइए, शुक्रिया, बैठ। तो दोस्तों, आज पहला एडजस्टमेंट था, कम खुला है। उम्मीद है कि आने वाले अगले 2 सेशंस में इनका और खुलेगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी खुलेगा आप सबको हम दिखाएंगे। चैनल को लाइक शेयर किए बगैर मत जाइएगा, चैनल का नाम एक्टिव प्लस का है।
थैंक यू।